मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अच्छा, आजकल हमारे नौजवान नस्ल में फोहश मूवीज देखने का बहुत रुझान बढ़ गया है। अक्सर लड़के कहते हैं, हम तो जो बचने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मुब्तला हो गए, जिनको गुना गुना ही नहीं लगता, वो तो अल्लाह ही पूछेगा उनसे। जो बचना चाहते हैं वो कहते हैं, हम तौबा पे कायम नहीं रहते, हम 100 बार तौबा करते हैं फिर 100 बार तौबा टूटती, हमसे ये बुराई नहीं छूटती। आप लड़कों को कैसे गाइड करते हैं? इसमें तो हमारी पूरी वर्कशॉप है वैसे तो, पॉर्न एडिक्शन पे या ब्रेकिंग द शैकल्स या ब्रेकिंग द बैरियर्स पे, अब वो पूरी वर्कशॉप है। मैं अगर ब्रीफली बताऊँ तो पहली बात तो ये है कि ये चाहे आप हफ्ते में एक दफ़ा देख रहे हैं या चाहे आप दिन में 4 दफ़ा देख रहे हैं, आप हैं एडिक्ट। एक बंदा दिन में 4 सिगरेट पी रहा है या हफ्ते में 1 पी रहा है, मगर कॉन्स्टेंटली पी रहा है, वो है एडिक्ट, है नशाई वो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पॉर्न वो चीज़ है जो आपको सेक्सुअली अराउज करती है, ठीक है, वो आपको वो करती है। तो इसका सबसे बड़ा ये है कि जो पेशेंस है, पेशेंस अपने आप को दें कि मैंने यार हफ्ता अपना आप कंट्रोल करना है, हफ्ता अपना अपने आप को डेडलाइन दें। वो गालिबन अंतरा बिन शद्दाद का वाक्य है ना कि बड़ा साबिर और शख्स माना जाता था, तो उसको कहा कि तुम कैसे, एक शख्स से पूछा तुम कितने इतने सब्र करने वाले हो, उसने कहा तुम मेरी मुंह में उंगली दो जोर से चबाना और मैं तुम्हारी मुंह में उंगली दूंगा जोर से चबाएंगे, जो पहले बोल पड़ा वो हार जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों ने मुंह में उंगली डाली तो वो दूसरा शख्स पहले चीख पड़ा, तो कहा कि मेरा भी बहुत शदीद दिल चाह रहा था चीखने का, कि मैंने 1 सेकंड और इंतजार कर लिया, ठीक है। तो वेटिंग मोर देन यूजुअल, जितना आमतौर पर हम इंतजार करते हैं उससे थोड़ा मजीद इंतजार कर लेना, अपने आप को डेडलाइन देना। दूसरी बात यह है कि अपने आप को बिजी करें, बिजनेस में इन्वॉल्व करें। एक शख्स हैं शेख वाइल इब्राहिम, आजकल ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, इजिप्ट के हैं और वो भी कन्वर्ट हुए थे म्यूजिशियन से। वो शेख बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पॉन पे, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनकी अवेयर अकेडमी भी है, उनका नीश ही, उनका टारगेट ये है। तो उनके मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी, ही सेड के एक केस आया, डिफरेंट केसेस के डिफरेंट रिजल्ट्स थे। एक शख्स आया, उसको मैंने कहा तुम ना बिजनेस करो, कोई काम तुम्हारा पैशन क्या, उसने कहा मेरा ये चीज़ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करना पैशन है मेरा दिल, उसने कहा तुम अपने आप को एक काम करो, उसने कोई और टिप दी मैंने उसे। कहते वो शख्स इतना मसरूफ हो गया दिन और रात अपने काम में कि महीने बाद कहते ओह मेरी वो एडिक्शन कहाँ गई, ये टाइम ही नहीं मिलता था उसे। तो अपने आप को बिजी करना, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें, बिजनेस शुरू करें, पैसे कमाएं, माँ बाप पे खर्च करें, इल्म हासिल करें अपने आप को। जब इंसान अपने आप को फ्री और वेला छोड़ता है ना, सही वो टाइम है जब शैतान पकड़ता है। तीसरी चीज़ कि हर इंसान का ना एक रेपिटेटिव साइकिल होता है जो कि जिसमें वो वीकनेस का शिकार हो जाता है, स्पेशली जब वो अकेले है अपने कमरे में और इंटरनेट की एक्सेस है, तो उस टाइम में उसने घर नहीं बैठना, किसी अच्छे दोस्त से कॉल कर लें, ठीक है, उस टाइम को प्रोएक्टिवली यूटिलाइज करें, कंपनी चेंज करें, अपने एनवायरमेंट को चेंज करें, पेट भर के खाना ना खाएं, ठीक है, क्योंकि पेट भर के गुनाह होता है, खाली पेट गुनाह नहीं होते। इस तरह के बहुत सारे यानी टेक्निक्स हैं। और ये भी याद रखो कि इट्स ओके टू फॉल वंस, इट्स ओके टू रिलैप्स, दोबारा से शुरू करना। अगर दोबारा गिर जाओ तो हिम्मत नहीं हारनी, दोबारा शुरू करना, हमेशा दोबारा शुरू करना। इमाम हसन बसरी के पास शख्स आया कि शेख गुनाह हो जाते बार बार, क्या करूँ, फिर तौबा करता हूँ फिर गुनाह हो जाता है। तब तक तौबा करता रहे जब तक शैतान तुझसे मायूस ना हो जाए। तो आपने मायूस नहीं होना, शैतान को मायूस करना, अल्लाह ताला से मदद मांगे। और शेख अभी तो मैं सिर्फ आपको एक वेबसाइट का स्टैट बताता हूँ, हमारे पूरी ग्लोब में ना शेख इस साल के शुरू में 8 बिलियन लोग टच किए हैं पॉपुलेशन हमारे पूरी ग्लोब पे, अर्थ पे। शेख उसका सिर्फ एक साल की व्यूअरशिप 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, 33 बिलियन व्यूज, यानी पॉपुलेशन का कितने टाइम ज्यादा, 2018 की बात कर रहा हूँ, 33 बिलियन व्यूज एक वेबसाइट के एक साल के। शेख तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये कितना ज्यादा बुरा है। इससे फिर इंसान अच्छा कैसे पता चले कि मैं शिकार हूँ इसके एडिशन का, कि जब आप तन्हाई में जाए आपको बार आपको दिल जाना शुरू हो जाए, जब आप अपनी बीवी के साथ हों तो आपको किसी और का ख्याल आना शुरू हो जाए, किसी और खातून का, ठीक है। इसी तरह से इमेजिन करना शुरू कर देना डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में, बार अच्छा कौन
इसमें मुब्तला है, जिसकी हिस्ट्री डिलीटेड है, जिसकी रात की नींद जाग रहा है और सुबह सो रहा है वो, ठीक है। और मेरे पास एक शख्स आया, कहते तो अभी मैं जिंदगी में ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया हूँ। मैंने क्या वजह, कहते मुझसे बिजनेस नहीं होता, मुझसे जॉब नहीं होती, मेरी विल पावर टूट गई है। मैंने कहा क्या वजह, कहते तो अभी पॉर्न एडिक्शन है और मैं उसके बाद मास्टरबेशन करता हूँ। तो अभी मैं इतने अरसे ट्राई कर रहा हूँ, रोता हूँ, अल्लाह से पक्का वादा करता हूँ, तहैया करता हूँ, लेकिन फिर नहीं कर पा, फिर हो जाता है। वो कहते मेरी विल पावर ख़त्म होकर रह गई है। तो शेख इंसान का ना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में ख़त्म हो जाता है। और सबसे जो बड़ी टिप है ना शेख, वो मुराकबा है, नोइंग कि अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, कि अल्लाह ताला वह माकुम अयना मा कुंतुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बारे में आता है कि हमें कितनी शदीद तड़प थी गुनाह करने की, हमारे पास पैसे भी थे, मगर हमें कितनी दफ़ा गुनाह से रोक दिया, वली मन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान की आयत ने। हम गुनाह करने लगे, हमें सायद रोक दिया, वली मन वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नफ्स अनिल हवा। हमें दिल चाह रहा था गुनाह करने को, लेकिन ये आयत हमें जहन में आ गई। और वहीब इब्न वर्द के पास तो एक शख्स है, उन्होंने कहा कि मुझे नसीहत करें। उन्होंने तो कहा कि इत्तकी अन यकून अल्लाह अहवन नाज़रीन इलैक, इस बात से डरना कि तुम अल्लाह ताला को ना देखने वालों में से सबसे नीचे ला के रख दो। तो तुम अपनी बहन से तो हया करो, कोई शख्स कमरे में दाखिल हो उससे तो हया करो, दोस्तों के सामने गुनाहों से बचो, और अल्लाह के सामने यस्तफ़ूना मिन अन्नास वला यस्तफ़ूना मिन अल्लाह। तो शेख सबसे बड़ी जो टिप है ना, मुराकबा, जिसने बहुत से लोगों की हेल्प की है, कि इस चीज़ को जानना कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मुझे वो देख रहा है, और मैंने उसको कल के दिन जवाब देना है। इससे बेहतर और कोई टिप नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ।